हेलो बच्चों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग सी प्लस प्लस का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। यूजर के द्वारा वो प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट लेगा, और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सीआई है, और साथ ही साथ जो अमाउंट है, दोनों को हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद दूसरा हेडर फाइल हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर मेन फंक्शन चालू करते हैं हम लोग, void main, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद आउटपुट क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग, clrscr, फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, clrscr। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन सा वेरिएबल चाहिए, तो इस वेरिएबल जो भी डिक्लेयर करेंगे उसके लिए हम लोग डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं डबल का। और उसके बाद इसमें हम लोग को कौन कौन सा वेरिएबल चाहिए, एक चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट जिसके लिए मैं पी लिख रहा हूँ, एक चाहिए रेट जिसके लिए मैं आर लिख रहा हूँ, एक चाहिए टाइम जिसके लिए मैं टी लिख रहा हूँ, एक चाहिए आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट के लिए सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सी आई ले रहा हूँ, और दूसरा अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से पांच वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर दिए। और अभी यहाँ यूजर से वैल्यू लेना है हम लोगों को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी आउट, और यहाँ पे बोलूँगा इंटर द वैल्यू ऑफ पी आर टी। उसके बाद लाइन को एंड करने के लिए ई एन डी एल का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसको लिख देंगे यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं सी इन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि यूज़र के द्वारा हम लोग वैल्यू ले सके और जो वेरिएबल हम लोग ऊपर में डिक्लेयर किए हैं उसमें स्टोर करवा सकते हैं। सबसे पहला वैल्यू जो यूज़र के द्वारा हम लोग लेंगे उसको हम लोग पी में स्टोर करवा रहे हैं, इसीलिए मैं पहले पी लिख रहा हूँ, फिर आर, आर में स्टोर करवाऊंगा रेट को, फिर टाइम के लिए टी, और फिर ये हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। तीन वेरिएबल यूज़र से लेंगे, तीन वैल्यू जो कि हमारा वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग अमाउंट ए इक्वल टू सी आई का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट 1 + r/100 ब्रैकेट टू द पावर n होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग पावर फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो पावर फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, मैथ डॉट एच चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे इंक्लूड, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हेडर फाइल और इंक्लूड करेंगे मैथ डॉट एच के लिए, क्योंकि हम लोग मैथ का फंक्शन यूज़ करने वाले हैं और पावर फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है ये जानना है। तो एक काम करिएगा, आप हेल्प में जाइएगा, उसके बाद आप इंडेक्स में जाइएगा, और उसके बाद यहाँ पे पी ओ डब्ल्यू लिखिएगा। देखिए पी ओ डब्ल्यू आया, आप फिर इंटर मारिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पावर जो फंक्शन होता है उसको यूज कैसे करते। देखिए नीचे अगर आप जाएंगे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा, देखिए यहाँ पे पावर एक्स और वाई लिखा हुआ है, दैट मीन्स पहले क्या लेता है, ये बेस लेगा और उसके बाद ये एक्सपोनेंट लेगा। ठीक है, तो हम लोग भी कुछ इसी प्रकार से इसका यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ए लिखा हूँ, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पी लिखना है, पहले पी होगा उसके बाद पी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, बट ब्रैकेट से पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अच्छा ब्रैकेट यहाँ लिख भी देते हैं, उसके बाद पी ओ डब्ल्यू। ठीक है, ये पावर फंक्शन, पावर फंक्शन के अंदर में पहले क्या होता है, बेस होता है, तो जो बेस होगा हमारा वो क्या होगा, बेस होगा आपका 1 + r/100। ठीक है, तो 1 + r/100 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 + r, ठीक है, नीचे में आपका बाय 100 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 100 +
आर, ठीक है, 100 प्लस आर, नहीं तो चलिए वो ऐसे ही लिख देते, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही लिख देते हम लोग, ठीक है, 1 प्लस आर बाय 100, ये हमारा बेस हो जाएगा। और पावर क्या होगा हमारा, पावर होगा टाइम, तो यहाँ पे हम लोग टी लिख देंगे, टी वाला वेरिएबल। उसके बाद इसको हम लोग बंद करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं जो पहले हम लोग ओपन किए थे। देखिए ये वाला ब्रैकेट को हम लोगों ने यहाँ पे बंद किया। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, सी आई भी निकालना है। तो सी आई क्या होगा, अमाउंट से अगर हम लोग जो अमाउंट निकला उससे प्रिंसिपल अमाउंट को घटा दे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अभी यहाँ पे हम लोग पहले सी आउट करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले यहाँ दिखा देते हैं हम लोग, कंपाउंड, CUMPUND, CUMPUND कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CI, उसके बाद नीचे में सी आउट, यहाँ पे AMOUNT अमाउंट इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे ए लिख देंगे और फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे। नीचे में हमारा गेट CH ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे कंपाउंड CUMPOUND कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको एक बार कंपाइल करके देखते कि कोई एरर तो नहीं है। दो एरर है इसमें, पहला एरर क्या दिखा रहा है ऊपर में, इंक्लूड, हाँ ये एरर तो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इंक्लूड का स्पेलिंग गलत है। अब फिर से कंपाइल करते हैं हम लोग, देखिए अब कोई एरर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 1000 ले रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, और रेट जो है वो मैं 10 ले रहा हूँ, और जो टाइम है वो मैं 2 ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिखा रहा है आपका, 210 दिखा रहा है, और अमाउंट कितना दिखा रहा है, 1210, 1210। अब इसको आप कैलकुलेट करके भी देखिएगा कि सही कैलकुलेशन दिखा रहा है या फिर ये सही कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, हम लोग दिए 1000 रुपया, और उसके बाद इंटरेस्ट है 10%, और उसके बाद में यहाँ पे 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा हम लोगों को, देखिए, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप अगर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप CI के बाद में यहाँ पे एक काम करिएगा, आप ENDL ऐसे लिख दीजिए, और उसके बाद फिर से मैं इसको कंपाइल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 10,000 ले रहा हूँ, यहाँ पे 10% ले रहा हूँ, और अभी मैं 3 साल का यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो देखिए 3 साल का भी ये अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।